Assalamu alaikum students, welcome to your channel Engineering and Technology. Subscribe your channel, like and comment and WhatsApp on this numbers. अगर किसी भी इन सॉफ्टवेयर में आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है या ऑनलाइन आपने सीखना है तो वो WhatsApp नंबर पे रابطہ कर सकते हैं. आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम 3D डिजाइनिंग करेंगे. ठीक है, जिसमें हम 3D डिजाइन करेंगे. अब तक जो कमांड्स, टेबल कमांड्स तक हमारे हो चुके हैं, उनके मुताबिक हम अपना 2D जो है वो कंप्लीट 2D प्लान हम ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हम कमांड करेंगे वो 3D कमांड करेंगे. बास स्टूडेंट का कहना है कि सर हमें 3D कमांड्स पर भी काम शुरू करवाए, तो उसके लिए ये कमांड्स मैंने शुरू करवा दिए. ठीक है, तो फर्स्ट 17 लेक्चर में जो है वो है टू कमांड्स हम डिस्कस करेंगे, बाउंड्री क्रिएशन एंड एक्सट्रूड कमांड. ठीक है, बाउंड्री का शॉर्टकट है BO एंटर एंड एक्सट्रूड कमांड का शॉर्टकट है EXT एंटर. ठीक है, 3D कमांड्स का मैक्सिमम मतलब यूज, मतलब ये कमांड्स बहुत कम है. बाकी जो ऑटोपैड का इंटरफेस है, ज्यादातर काम आपने माउस के थ्रू भी कर लेना है. ठीक है, तो ये चलते हैं, ओपन कर लेते हैं अपना ऑटोकैड. ये ऑटोकैड मैंने ओपन कर लिया है. ये एक प्लान मैंने सिंपल प्लान ड्रॉ किया है. ठीक है, टू रूम्स है, ये इसकी डोर है, ये इसकी डोर है, ये विंडो है और ये भी विंडो है. ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये एक सिंपल सा प्लान ड्रॉ किया है. अगर आप कंप्लीट प्रोजेक्ट पे काम कर लेना चाहते हो तो ऑटोकैड की 3D में कंप्लीट प्रोजेक्ट पे आप 10 मिनट 20 मिनट में नहीं कर सकते. उसको आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर उसमें हर एक चीज आपने मेंशन कर लिए है. मैं आपको ये सिखाऊंगा कि 3D कमांड्स को अप्लाई कैसे करते हैं और उस पर काम कैसे करते हैं. एक प्रोजेक्ट आप खुद उसके बाद आप डिजाइन कर सकते हैं. तो ये चलते हैं, फर्स्ट जो हमारा कमांड्स है वो है बाउंड्री कमांड्स, तो उसको हम अप्लाई कर लेते हैं BO एंटर. BO एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की एक विंडोज ओपन हो जाएगी. यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है पिक पॉइंट पर. पिक पॉइंट क्लिक करने के बाद आपने लाइन के सेंटर में क्लिक कर लेना है, राइट क्लिक कर लेना है. सब में जो आपके पास जितनी भी लाइंस होंगी वो आपने वहां पर क्लिक कर लेना. क्लिक करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर लेना. इंटर प्रेस करने के बाद आप खुद ब खुद देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो लेयर्स का कलर्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, मतलब जो हमारी लाइंस है वो बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो गई. बाउंड्रीज में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए चलते हैं, अब इस पर एक्सट्रूड कमांड अप्लाई कर लेते हैं EXT इंटर. EXT एंटर के बाद आपने हर एक को अलग अलग सेलेक्ट कर लेना. इस तरह मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ. ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा एंटर प्रेस कर लेना. एंटर प्रेस करने के बाद आपने इसको साइज दे देना है. मैंने 11 फुट साइज दे. उसके बाद आपने दोबारा डबल एंटर प्रेस कर लेना. ठीक है, डबल प्रेस एंटर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है कि आपकी जो शेप है वो 3D में कन्वर्ट हो गई है या नहीं. तो आपको ये नजर आ रहा है कि आपकी ये जो शेप है वो हमारे पास 3D में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, इस तरह इसमें हम नेक्स्ट कमांड्स अप्लाई करेंगे. सबट्रैक्ट कमांड, जिसमें हम ये विंडोज और डोर्स को मेंशन करेंगे इंशाल्लाह. फिर पॉलीलाइंस कमांड इसमें भी अप्लाई करेंगे, उसमें हम इसकी स्लैब को मेंशन करेंगे. ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर के बाद. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. इंशाल्लाह इन दोनों कमांड्स की आपको प्रॉपर समझ आई होगी. अगर किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट्स कर सकता है. ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से, अब इसकी व्यूज ये चेंज हो रही है. यहाँ से आप देख सकते हो ये नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, ये देख रहे हो, ये नॉर्थ ईस्ट, इन साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट. ठीक है, और ये जो है ये टॉप व्यू है, ये बॉटम व्यू है, ये लाइट रेफ बैक फ्रंट एंड बैक. ठीक है, इनको भी हम फर्दर अपनी 3D में
यूज करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह, बाकी जो कमांड्स है वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।